Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Our students, class 7th maths, R.S. Agrawal, exercise secondary, question number 4. Our students, इसमें मैं question नहीं लिखूंगा, question आप अपने book से please देखिए. इसमें दिया है apples are sold at rupees इतने per kg. स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू दी है रुपीज 48 कंप्लीट 4x5. ये दी गई है 48 कंप्लीट 4x5. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, अब स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 3 kg 3x4 kg इतने एप्पल्स की स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट ज्ञात करनी है. तो जब भी स्टूडेंट्स 1 kg एप्पल की कॉस्ट दी गई हो और उससे ज़्यादा की 1 kg से ज़्यादा की फाइंड करना हो तो इसमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई होता है. तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 3 complete 3x4 kg एप्पल्स इक्वल टू 48 complete 4x5 × 3 complete 3x4. और बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये आ जाएगा 240 यानी 244, क्योंकि 5 × 48 करेंगे तो ये आएगा 240 और इसमें 4 ऐड कर देंगे अपॉन 5 और ये आ जाएगा 15/4. 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 आ गया, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 61 × 3 3 × 1 = 3 और 3 × 16 = 8. तो इतने रुपीज आ गया 183 रुपीज जो है इसके स्टूडेंट्स कॉस्ट हो जाएगी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज इतने पर मीटर. सो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 1 meter क्लॉथ, तो जो 1 meter क्लॉथ है उसकी कॉस्ट दी गई है 42 complete 1x2 कॉस्ट ऑफ 5 complete 3x4 meter कॉस्ट ऑफ हमें ये फाइंड करनी है 5 complete 3x5 meter. तो इसकी स्टूडेंट कॉस्ट फाइंड करनी है तो देखिए कॉस्ट ऑफ ठीक है ये हो जाएगा 5 complete 3x5 meter. तो बस स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ये आ जाएगा 5 complete 3x5 और इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 84 और 1 ऐड कर देंगे तो 85/2 × 28/5. अब स्टूडेंट्स इसको जो है हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये 17 आएगा और यहाँ से ये 14 आएगा कैंसिल हो करके तो ये आंसर आ जाएगा 17 × 14. इतने रुपीज स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 में ये कह रहा है कि क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट इसकी जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 66 complete 2x3 किलोमीटर पर आवर ठीक है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 hours. तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 9 hours. तो स्टूडेंट्स 9 hours में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा. बी आर ए वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक 1 hour में जाता है इतने किलोमीटर तो 9 hours में कितना जाएगा, बस सीधा सीधा लगा दीजिए डिस्टेंस ठीक है कवर्ड इन 9 hours ठीक है. ये हो जाएगा 9 × 66 complete 2x3 ये हो जाएगा 9 × 18 9 200 आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 200.
अपॉन थ्री, थ्री से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा, कितना जाएगा स्टूडेंट 600 किलोमीटर, इतना जाएगा कितने आवर्स में, 9 आवर्स में स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको करना था। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट 7, कह रहा 110 होल्ड्स इतने लीटर ऑफ वाइल। तो स्टूडेंट्स टोटल जो वाइल है, टोटल जो वाइल दिया गया है वो दिया गया है 12 कंप्लीट 3/4 लीटर स्टूडेंट्स। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाइल कैन 26 सच टिन्स होल्ड। सो स्टूडेंट्स वाइल इन, टोटल वाइल क्या है स्टूडेंट्स, वाइल इन 1 टिन, एक टिन में जो वाइल है वो है स्टूडेंट्स वाइल इन 26 टिन्स। तो कितना हो जाएगा 26 × 12 कंप्लीट 3/4, तो 26 × 51/4 इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से तो ये 13 आ गया, तो ये आ गया 13 × 51/2। सो नाउ स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई जो है वो 663 आएगा और ये अपॉन 2, फिर इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो ये आ गया स्टूडेंट्स 331 कंप्लीट 1/2। बुक से पढ़िए, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ईच टिकट कॉस्ट रुपीज़ 35 कंप्लीट 1/2। अब स्टूडेंट्स अगर उसने 300 टिकट्स जो है वो सेल किए तो उसने कितनी मनी कलेक्ट की। तो जब स्टूडेंट्स एक टिकट की कॉस्ट दी हो और उससे ज़्यादा की कॉस्ट वो आपको पूछ रहा है तो इसमें स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी ये हो जाएगा कि अमाउंट फॉर 308 टिकट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 35 कंप्लीट 1/2 इंटू 308। अब स्टूडेंट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 71, 35 टू जा 71 ऐड कर देंगे अपॉन 2 इंटू 308। अब 2 से स्टूडेंट इसको डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 154। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है, देखिए 451, पहले 1 से फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, 2 कैरी आएगी और 75 जो 35 टू 37 तो ये आएगा, तो उसका जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया था स्टूडेंट्स वो ये हो जाएगा 4391093 4। तो यही स्टूडेंट इसका जो है आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर उसको लिख दीजिए। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स जो है वो 9 है और ईच बोर्ड की स्टूडेंट जो थिकनेस दी गई है वो 3 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि हाउ हाई इज़ द स्टैक। तो अब स्टूडेंट्स हमें जो है हाइट ऑफ द स्टैक फाइंड करना है, यानी एक दूसरे से सट करके ये बोर्ड रखे हुए हैं इस तरीके से, एक के ऊपर एक जो है उनको लगाया गया है, तो हाइट ऑफ द स्टैक कितनी होगी वो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। तो टोटल बोर्ड कितने हैं आपके, 9 हैं और एक बोर्ड की जो दी गई है तो ये इतने सेंटीमीटर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रुपीज़ में आएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो देखिए 9 × 3 3 = 9 और 2 = 11, तो 11/3 आएगा, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 33 सेंटीमीटर जो है वो स्टैक की हाइट होगी। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपके आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रोहित टेक्स 4 कंप्लीट 4/5 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, यानी स्टूडेंट्स एक सर्कुलर फील्ड है जिसका वो एक राउंड 4 कंप्लीट 4/5 मिनट में कंप्लीट करता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 15 राउंड्स। अब स्टूडेंट 15 राउंड में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो देखिए इसका आंसर में क्या है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्टूडेंट 15 राउंड्स दिए गए हैं
तो ये हो जाएगा फोर कंप्लीट फोर वाई, फाइव इंटू फिफ्टीन। तो अब इसके डेनोमिनेटर सेम कर ली, तो फाइव फोर जब ट्वेंटी और फोर ऐड कर देंगे तो ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव इंटू फिफ्टीन, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट 72 इसका आंसर हो गया, यानी उसको कितने मिनट लगेंगे स्टूडेंट 72 मिनट्स, इतने मिनट्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट 72 मिनट्स को हम 1 आवर 12 मिनट्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, बोथ करेक्ट है। अगर आप 72 मिनट लिखते तब भी करेक्ट है, और ये लिखते हैं 1 आवर 12 मिनट तब भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट वेट ऑफ अमित 35 kg है, और उसकी सिस्टर का जो वेट है स्टूडेंट वो अमित के वेट का 3/5 है, तो कविता का वेट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कविता उसकी सिस्टर है जिसका वेट जो है अमित के वेट का 3/5 है, तो अब यहाँ पर जो वेट ऑफ कविता आएगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3/5, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और किसका अमित के वेट का, तो अमित का वेट है 35 kg, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 21 kg जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 42 है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 42 है, और बॉयज जो है वो जितने स्टूडेंट हैं उसके 5/7 हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर बॉयज़ हम निकाल देंगे, बॉयज़ कितने 5/7, और स्टूडेंट कितने हैं स्टूडेंट देखिए 42 हैं, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5/6 = 30, तो जो बॉयज़ हैं स्टूडेंट वो 30 हैं। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना, तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल जितने स्टूडेंट थे टोटल थे 42, उसमें से स्टूडेंट 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 12 गर्ल्स जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें ये दिया गया है कि अर्निंग ऑफ सपना पर मंथ, यानी जो सपना है उसको सैलरी से 24,000 पर मंथ मिलता है, और अपनी सैलरी का वो 7/8 जो है वो स्पेंड कर देती है, तो स्टूडेंट स्पेंड्स कितना होगा, खर्च कितना कर देती है 7/8, सैलरी कितनी थी स्टूडेंट्स 24,000, तो 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3,000 ये आ गया, तो ये हो गया 21,000, इतना उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास जितना बचा वो उसको बैंक में जमा करना है, तो स्टूडेंट डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक, तो बैंक में कितना डिपॉजिट करती है, बैंक डिपॉजिट, तो जो डिपॉजिट होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सैलरी कितनी थी 24,000 माइनस 21,000, चूँकि तभी उसको रेस्ट तो कितना 3,000 रुपीज़ जो है वो स्टूडेंट्स बैंक में क्या करती है हर महीने डिपॉजिट करती है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 4 कंप्लीट 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अब स्टूडेंट स्क्वायर की ईच साइड हमें पता है, तो स्क्वायर की साइड ये दी गई है, ईच साइड इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर भी लिख सकते, तो देखिए ये हो जाएगा 4 कंप्लीट 2/3 × 4 कंप्लीट 2/3, अब इसको बदल दीजिए तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, तो ये हो गया 14/3 × 14/3, तो ये हो जाएगा 196/9। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 9 × 2 = 18, 1 = 16, 9 × 1 = 9, ठीक है, फिर बचा यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा 21 कंप्लीट 7/9 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। अब स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया है जिसकी लेंथ जो है 41 कंप्लीट 2/3 मीटर है, और उसकी ब्रेथ जो है वो 18 कंप्लीट 3/5 है, तो इस रेक्टेंगल का स्टूडेंट्स हमें एरिया फाइंड करना है।
तो देखिए एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है ये होता है स्टूडेंट एल इंटू बी, तो ये दी गई है 41 कंप्लीट 2 बाई 3 इंटू 18 कंप्लीट 3 बाई 5। अब इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए स्टूडेंट, 3 वन जा 3, 3 फोर जा, तो ये आ जाएगा 125/3 इंटू, और ये लेंथ दी गई ये विड्थ दी गई है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आ जाएगा 93/5। तो ये स्टूडेंट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 31 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये आ गया 31 × 25 इतने। अब स्टूडेंट मीटर था या सेंटीमीटर था, ये मीटर में था तो ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, तो इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 बन जाओ, 2 कैरी आ गई 77 इतने मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो गया इतने मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने दे। ओके स्टूडेंट।